हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से कमिटेड है कि ये जो कोरोना वायरस के कारण हमारे देश पर विपत्ति आई है उसमें हम कितना योगदान कर पाए कि हमारे लोगों को कोई भी जो है नुकसान ना हो और हम इससे बच पाए एक दूसरे को। हमने अपने विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया है। 16 मार्च से ही सभी हॉस्टल हमने खाली करवा दिए थे। हॉस्टलों में इस टाइम पे हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं है, सब अपने घर में हैं और पूरे विश्वविद्यालय का सैनिटाइजेशन करवा दिया है एक बार। और ये पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है कि हाइजीन कंडीशंस डेली तौर पर जो है मेंटेन हो और उसकी व्यवस्था भी हमने की हुई है। जैसा कि आपने अलग अलग ब्लॉक में जाकर देखा, हमारे यहाँ सफाई पूर्ण रूप से बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन है और मैं भी देख के बड़ा खुश हुआ कि हमारा जो भी सैनिटाइजेशन स्टाफ है वो अपना कार्यरत है। इसके साथ साथ हमारी पूरी कोशिश है कि हम विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए हुए गांव में भी इस कोरोना वायरस के समय में कितनी प्रिकॉशंस ली जाएं, क्या क्या सावधानियां बरतें, इसके लिए पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम हम गांव में चला रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी हमारी कोशिश है कि हम अपने विश्वविद्यालय से ही अपना सैनिटाइजर बना रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर गांव में भी हम सैनिटाइजर भिजवाएं। इसके साथ साथ हमने कम से कम 3 या 4 गांव में तो हम अपने यहाँ से मास्क हमने तैयार करवाए हैं और उनको बंटवाया भी है। और बाकी गांव भी जो बचे हैं हमारे उसमें भी कोशिश करेंगे कि हम सैनिटाइजर भी भिजवाएं और मास्क भी भिजवाएं। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय की पूरी कोशिश है कि हमारे विद्यार्थी जो लॉकडाउन पीरियड में अपने घर पे हैं उनकी पढ़ाई किसी तरह से जो है डिस्टर्ब ना हो। और उसके लिए हमने भरसक प्रयत्न किए हैं कि हर तरह के ऑनलाइन मेथड्स जो अवेलेबल हैं वो प्रयोग किए जाएं, विद्यार्थी भी उनका उपयोग करें और हमारे शिक्षक भी ऑनलाइन एजुकेशन के जितने मोड्स अवेलेबल हैं वो उनका इस्तेमाल करके और हमारे बच्चों को शिक्षा दें। इस तरह के इंतज़ाम हमने किए हुए हैं और ज़्यादातर हमारे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी इन सब ऑनलाइन जो मोड हैं उसके थ्रू हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, उनको किसी तरह से भी नुकसान नहीं होगा और हम सभी विद्यार्थियों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी जो सिलेबस है अगर पूरा नहीं हो पाया तो जैसे ही विश्वविद्यालय खुलेगा तो हम उनका सिलेबस पूरा कराएंगे और संभव हुआ तो हम उनकी परीक्षा भी थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। तो हमारे विद्यार्थियों को मेरा मैसेज है कि वो बिल्कुल परेशान ना हों और आराम से अपनी पढ़ाई करें, अपने घर में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें, खुद भी ना निकलें और अपने परिवार वालों को भी ना निकलने दें, अपने पड़ोसियों को भी ना निकलने दें और इस घड़ी में वो संयम से काम लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सब ठीक ठाक होगा और हम खूब अच्छी तरह से आगे कार्य करेंगे और प्रगति के रास्ते पर चलेंगे।